हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। बहुत बच्चे पूछते हैं कि एएमयू में हॉस्टल कैसे मिलेगा, अगर हम एंट्रेंस क्लियर कर देते हैं तो हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस बारे में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से बताऊँगा सब चीज़, कोई भी आपकी क्वायरी नहीं रहेगी। मतलब देखिए, हॉस्टल में ऐसा होता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स की जो बात मन में आती है वो ये रहती है कि अगर हम एंट्रेंस अच्छे मार्क्स से क्लियर करें, हमारी रैंक फर्स्ट हो या टॉप में रहती है, अगर हमारी रैंक सेलेक्टेड लिस्ट में रहते हैं तो हमें हॉस्टल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। देखिए, जो आपका मैंने एक वीडियो बनाई थी हॉस्टल फैसिलिटी के ऊपर, और 9th और 11th की मैंने अलग बना रखी है, 9th और 11th में, क्योंकि स्कूल वाइज बनाई थी मैंने। उसमें ये भी बताया था स्कूल्स में किस स्कूल में आपको हॉस्टल मिलता है, किस में नहीं। तो 9th और 11th का आप चैनल में से देख लीजिए, अब मैं इतनी बात दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो उसमें सब चीज़ वो आपकी जिम्मेदारी है, चैनल पर वीडियो देखिए कहाँ मिल जाएगी आपको, नीचे जाके देखेंगे। और हॉस्टल फैसिलिटी के नाम से भी एक वीडियो है एएमयू के, तो उसमें सब चीज़ बता रखा है, लेकिन मैं कुछ आइडिया देने वाला हूँ इसमें और अलग बातें करने वाला हूँ। देखिए, उस सबसे पहले बात होती है, देखिए आपकी, मैं सिर्फ ग्रेजुएशन मास्टर्स वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ, स्कूलिंग के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। स्कूलिंग के लिए मैंने पहले ही बता दिया, फिर भी एक आइडिया मिल जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आप भी कभी ग्रेजुएशन में आएंगे अगर स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स हैं तो। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें ऐसा होता है, आप सिलेक्टेड में हो, किसी भी हो, वेटिंग में हो, तो आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है। मतलब कुछ कोर्सेज जैसे हो गए MBBS वगैरह या लॉ वगैरह, उसमें आपको मिलने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, लेकिन आपको नहीं मिलता फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपको खुद से अरेंजमेंट करना होता है। अरेंजमेंट कैसे करना है, अरेंजमेंट या तो बाहर रूम लेना पड़ता है, बाहर आपको इजीली रूम मिल जाते हैं और चीप ही मिल जाते हैं, 1500 रुपये महीने पर मिल जाते हैं आराम से। और फिर बात आती है आपका, अगर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रूम नहीं मिला तो कब मिलेगा रूम, तो उसका मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे एक साल हो जाता है यहाँ पर, हॉल पर डिपेंड करता है, जो अलग अलग हॉल में अलग अलग आपको मिलता है। जैसे कुछ हॉल्स हैं, मोस्टली हॉल्स में एक साल बाद मिल जाता है, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आप कितनी स्टैंडिंग हो जाती है और एनरोलमेंट नंबर मिलता है, उसके अकॉर्डिंग मिलता है आपको रूम। तो एनरोलमेंट जितना पहला होगा तो आपको रूम मिल जाएगा, मतलब सेकंड ईयर में आते ही आपको चांसेस रहते हैं कि आपको हॉस्टल मिल जाए, रूम मिल जाएगा। ठीक है, हॉल अलॉट तो सबको हो जाता है फर्स्ट ईयर में एडमिशन के वक्त ही, लेकिन रूम अलॉट नहीं होता। तो अब आपको जिस हॉल में अलॉट हुआ है उसके अकॉर्डिंग होगा कि आपको रूम कब मिलेगा। अब जैसे सर से ये नॉर्थ और साउथ हॉल है, उसमें आपको 2 साल बाद मिलता है, तो मतलब वो बड़े हॉल हैं और मतलब अच्छे हॉल हैं, तो इसलिए उनमें आपको 2 साल में मिलता है। वैसे कोई डिपेंड नहीं करता किसी भी हॉल में रहे, सब फैसिलिटीज सेम हैं, सब सेम है एक ही कैंपस में, ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बस नाम है उस हॉस्टल का और कुछ नहीं है। इसलिए आप ये नहीं सोचे कि हमें उसी हॉल में जाना है कि आपका 2 साल में मिला, कुछ अच्छा मिलता होगा, खाने में अच्छा मिलता होगा, सबका सेम रहता है, कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कोई भी क्वेरी होगी या कुछ भी बात होगी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके रखना, जब दिमाग में आएगा फॉलो करके रखेंगे तो सामने आता रहूँगा मैं प्रोफाइल पे, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में, तभी आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बस फॉलो करना ज़रूरी है उसके लिए, बाकी सब्सक्राइब करना तो आपका खुद का काम है, आपको जब खुद लगेगा हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, कुछ आपको मिलेगा अच्छा तो खुद ही आप सब्सक्राइब करेंगे, इसमें कहने वाली बात ही नहीं। जहाँ आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है लाइफ एटीएम में मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, मिल ही रहा है, सभी जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता है, तो आप खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो भी लाइक हो ही जाएगी, अच्छा कंटेंट है तो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो वीडियो भी लाइक हो जाएगी। और शेयर कर दीजिए, बस शेयर करने के लिए मैं बोलूँगा, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ और स्टेटस वगैरह पर लगा दीजिए इस वीडियो को, सबको पता चल जाना चाहिए एएमयू में कैसे हॉस्टल वगैरह मिल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।